हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इनामुल हसन है। मैं एक होम्योपैथ हूँ, BHMS MD होम्यो केयर इंटरनेशनल में मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो ये टॉपिक है एलर्जी या फिर एलर्जिक अस्थमा बोलिए। तो अब एलर्जी जो है बहुत लोगों में देखी जा रही है और बहुत लोग थोड़ा कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि भाई एक्चुअली ये एलर्जी है या साइनस है या अस्थमा है, क्योंकि ये दिखने में इनके सिम्टम्स जो है ना एक जैसे नज़र आते हैं। अभी एलर्जी क्या चीज़ है? तो भाई एलर्जी वो चीज़ है जब आपके बॉडी में आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती, उस वक्त में आपकी बॉडी सेंसिटिव हो जाती। जब आप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते उस वक्त में कोई भी एक छोटी चीज़ जैसे कि डस्ट हो गई या फिर स्मेल हो गई, तो अगर ये डस्ट लगी, स्मेल लगी या फिर धुआं लगा, तो आदमी की बॉडी रिस्पॉन्स देना चालू कर जाती बहुत जल्दी, जैसे कि छींकें आ रहे आदमी को। तो अगर छींकें आपको सुबह उठते के साथ ही छींक आ रही, डस्ट में जाते के साथ ही छींक आ रही, या फिर जो है ना धुएं में धुआं लगते के साथ ही छींक आ रही, अतर या जो है ना परफ्यूम्स इस्तेमाल करने पे अगर आपको छींकें आ रहे, या फिर जो है क्लोज्ड रूम में रहने के बाद में आपको अगर छींकें आ रहे, तो समझ सकते कि भाई आपको एलर्जी है। और ये एलर्जी का नाम है एलर्जिक राइनाइटिस। अब क्या सिम्टम्स हैं इसमें? छींकें एक ही नहीं रहते, तो एलर्जिक राइनाइटिस में देखिए आपको छींकों के साथ साथ नाक से पानी जारी हो जाना, पानी जैसा जाते रहता नाक से जब तक आप छींकते रहते। उसके बाद में इरिटेशन ऑफ योर आईज, मतलब आँख में आपको इरिटेशन होना चालू हो जाता, दूसरी चीज़ है। उसके बाद में आपको जो है ना पोस्ट नेसल ड्रिप बहुत लोगों को रहती, मतलब जिस तरह नाक से आपको पानी जा रहा उसी तरीके से आपके हलक में भी ऐसा एक ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा, ऐसा आपको जो है ना महसूस होता। तो ये है आपकी एलर्जिक राइनाइटिस। अब इसमें बहुत लोगों को कैसा रहता? कंटिन्यू रहता, मतलब बरस के 12 महीने वो लोग छींकते ही रहेंगे, और जब भी उनको कुछ एलर्जन लगा वो छींकेंगे। तो ये चीज़। तो और एक दूसरा किस्म का एलर्जी रहता जो कि सीजनल रहता, मतलब कि भाई ज़्यादा जो है आपको सर्दी के मौसम में देखा जाएगा, या फिर रेनी सीजन में ज़्यादा देखा जाएगा, स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा देखा जाएगा, धूप काले में आपको उतना महसूस नहीं होता। तो ये है, एक है सीजनल, दूसरे पेरिनियल। पेरिनियल हमेशा रहता, और ये कम लोगों में देखा जाता, सीजनल बहुत ज़्यादा लोगों में देखा जाता। तो ये अब भाई इससे बचना कैसे है? तो पहली चीज़ है, अगर इससे बचना है तो हमको मालूम होना कि हम किस चीज़ से एलर्जेटिक हैं। बहुत लोग खाने के प्रोडक्ट से भी एलर्जेटिक रहते। मसलन पहली चीज़ जो है ना बहुत लोगों में जो हम ऑब्जर्व किए हैं वो है खट्टी चीज़ें हो गए, बहुत लोगों के कुछ मीठा नहीं जमता, बहुत लोगों को कुछ एक फ्रूट नहीं जमता, तो वो खाने पे जो है ना उन लोगों को छींका चालू हो जाते। और जो है बाज़ लोगों में क्या रहता, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है ना प्रॉब्लम होता, जैसे कि सुबह में नींद में से उठते के साथ ही जो है ना वो छींकना चालू कर देते। बाज़ लोग ठंडा पानी पीने के बाद जो है ना छींकना चालू कर देते। बाज़ लोग जो है ना डस्ट में जाने के बाद चालू कर देते। तो हमको ये मालूम होना कि भाई किस चीज़ से है एलर्जी, और उस चीज़ को जो है ना आपको अवॉइड करते हुए जो है मेडिसिन लेना है, तब जाके जो है ना ये आपको एलर्जी कम होगी। अब ये जब एलर्जी बहुत दिन तक आपको रहती ना, तो उस टाइम पे क्या होता, आपके नाक से पानी जाते जाते आपका नाक जो है ना स्नफी हो जाता। स्नफी मतलब नाक साफ नहीं रहती आपकी, बंद रहती। बंद रहने की वजह से क्या है, ये एरिया में आपके साइनसेस रहते, तो ये साइनसेस का ड्रेन जो है आपके नाक में रहता, मतलब यहाँ से जो भी जमा हो रहा आपके नाक से चले जाना। लेकिन ये ब्लॉक होने की वजह से आपका साइनस ड्रेन नहीं हो पाता। तो साइनस जब ड्रेन नहीं होगा तो इन्फेक्शन हो जाता अंदर, और इन्फेक्शन होने पे आपको जो है ना चंद सिम्टम्स नज़र आएंगे, जैसे कि आपके चेहरे में दर्द होना, या फिर जो है ना चेहरा हैवी महसूस होना, बाज़ लोगों में सूजन भी महसूस होती, मतलब चेहरा पूरा सूजा हुआ है। और जब भी आप ठंडी जगह जाएंगे या फिर गाड़ी पे ठंडी हवा आ रही तो आप अगर ट्रैवल करेंगे
तो उस टाइम पे आपका चेहरा सूज जाता और आपको नाक से पानी जारी हो जाते रहता, आपको छींक आते रहते, और ख़ासकर जब आप झुक रहे हैं कुछ उठाने के लिए या फिर आप कोई काम करने के लिए झुक रहे, अपना चेहरा नीचे कर रहे, तो आपका चेहरा पूरा दर्द होने लगता, पेन होने लगता, तो समझिए कि भाई आपको साइनस प्रॉब्लम है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं तो बोलिए साइनसाइटिस है, और फिर एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जी भी है, और अगर कंटिन्यू जो है ना ये प्रॉब्लम्स रहे इसी तरह से, एलर्जी कंटिन्यू रही आपको, तो आप जो है आपको जो है ना अस्थमा होने के भी चांसेस रहते हैं। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? अस्थमा का मतलब क्या है? अस्थमा का मतलब खासकर आपका सांस फूलना, सांस शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ हम जिसको बोलेंगे, मतलब अगर ऐसा शॉर्ट शॉर्ट ब्रीथ अगर कोई ले रहे तो इसको बोलेंगे शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ। और उसके बाद उनके छाती में से जो है ना आवाजें आना चालू हो जाते हैं, जिसे हम वीजिंग साउंड्स बोलते हैं। तो वीजिंग साउंड, सुई 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 साउंड्स आने लगते हैं, और बहुत लोगों को क्या है जब वो लेटते ना उस टाइम पे ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती, और जब बैठते तो लोगों को जो है ना अच्छा महसूस होता, और इनमें जो है ना खांसी चालू हो जाती, क्योंकि आपका लंग्स में जो है जो ब्रोंकियोल्स रहते हैं अंदर, इसमें एक किस्म का लिक्विड जो है ना जिसको हम बोलेंगे बलगम जो है ना निकलना चालू हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से या एलर्जी की वजह से, बलगम निकलता और जिसकी वजह से सीना भर जाता, फिर उसको बॉडी निकालने की कोशिश करती, तब हमको जो है ना खांसी चालू हो जाती, और जब खांसी आई अब आदमी